उसको ताना ही मारते जाएंगे तो किस लिए जीते रहेगा दुनिया में। तो मैं मरूं तो मेरे परिवार वाले, मेरे माँ पापा कोई गलती नहीं, मेरे पापा माँ बाप इतने दिन रखे हैं तभी मैं जिंदा हूँ। हाँ, तब तक कब तक मर हो चुकती हूँ, तभी जीने नहीं देते मेरे ससुराल, सोचते हैं कब मर जाए, देखते हैं कैसे हालत में। जय माता जी। दोस्तों, आप सब कैसे हैं? आशा करते हैं अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपने अपने काम में व्यस्त होंगे। तो दोस्तों, आप लोग जानते हैं कि नवरात्र चल रहा है इस समय, तो 9 दिन का व्रत करती हूँ। दोस्तों, मेरा चेहरा भी देख रहे हैं कैसा लग रहा है, पहले कितना मोटी थी, एकदम दुबली दुबली होते जा रही हूँ, क्योंकि इतना ज़्यादा टेंशन है। मन कर रहा है यही कि जहर खा के मर जाऊँ, फांसी लगा लूँ, कहीं डूब के मर जाऊँ। कुछ दिमाग ही काम नहीं कर रहा है, एक तो अकेले वीडियो बनाओ उसी में सारा टेंशन। उसी में हमारे ससुराल वाले एक ना एक ताना मारते ही रहते हैं, मायके में रहती तभी मारते रहते हैं, इसका बच्चा नहीं होगा, ऐसा वैसा, क्या करे, कुछ भी समझ में नहीं आता। एक तो ऊपर वाला सुन भी नहीं रहा है कि लोग ताना मार रहे हैं तो इसको दे दो बच्चा। ससुराल वाले एकदम जीने नहीं दे रहे हैं, अब मरेंगे तो ससुराल वाले करते ही मरेंगे, क्योंकि वो लोग हम मायके में तभी मुझे जीने नहीं देते हैं, चैन से ताना मारते ही रहते हैं, किसी न किसी से ताना मार के भिजवाते रहते हैं। हाँ, तो फोन करके मेरी ननद है वो कहती, क्या करे, 9 दिन का नवरात्र भूखी हूँ, वो सोचते हो किसी के बारे में कुछ कहूँ, दिमाग इतना ख़राब है कि क्या बताऊँ। मन कर रहा है कहाँ जाकर मर जाऊँ। फिर दोस्तों, एक रोती नहीं, आँख में आंसू दिन रात रहता है, क्योंकि पत्थर बन चुकी हूँ। एक इंसान का हर दुख झेलता है, हर चीज़ वो दुख में गम में ही रहता है, हर चीज़ दुख झेल लेता है, मगर लोग देखते हैं तो कहते हैं इसका कोई परवाह नहीं है, मगर नहीं, मेरे जितना परवाह होता है ना, जब से मैं बाहर से आई तब तक मेरे आप लोग शरीर देख रहे हैं कैसे होती जा रही हूँ। लोग खुद पत्थर, पहले कैसी थी अब कैसी हो गई हूँ, इतना ज़्यादा टेंशन खा ही जा रहा है। मन करता है कब मर जाऊँ। सिर्फ यही एक सोच के रह जाता हूँ कि हमारे हस्बैंड जी का कौन है, हमारे सिवा कोई उसका नहीं है, तो उनका कौन देखेगा मैं मर जाऊँगा, तो यही सोच के एक रह जाती हूँ। ऊपर वाला कुछ बुझाता नहीं है कि उसको एक बच्चा दे दूँ, कि लोग ताना मार रहे हैं नहीं मारे, क्या करे। मन करता यही कब मर जाऊँ फांसियों से जहर वहर खा के। किसी दिन दोस्तों ये हमारे साथ होगा, हंसता किसी ना किसी दिन हम मरूँगी, क्योंकि हद से ज़्यादा हो गया है, क्योंकि 3 साल से सह रही हूँ, अब बहुत ज़्यादा हो गया, बहुत डिप्रेशन में हूँ, रात दिन अकेले तो रहना कि मन ही नहीं कर रहा, अकेला रहती हूँ तो लगता है चारों ओर से काट रहा है, किसी के पास ना पास रहती हूँ, टाइम से वीडियो नहीं जा रहा है, टाइम से कुछ ना, मन से वीडियो ना बनाओ तो वीडियो नहीं चलेगा, कहाँ चलेगा। जो 9 दिन का व्रत करो, हर चीज़ तो करो, क्या क्या नहीं करती हूँ, कहाँ कहाँ नहीं जाती हूँ, मगर ऊपर वाले नहीं सुन रहे, ऊपर वाले हम लोग का कुछ सुन ही नहीं रहे हैं। हस्बैंड जी हैं तो बेचारा क्या करे, अकेले वो भी कमा रहे हैं, यहाँ मैं मेहनत वीडियो यूट्यूब पे कर रही हूँ, तो वो यूट्यूब से कोई फ़ायदा थोड़ो ना है हम लोग का, एक बार पेमेंट आ गया 10-15 हज़ार, तब से कभी नहीं आया, क्या करे, वीडियो ही नहीं चल रहा है। रहने जाते, जब चारों ओर से मारे जाओगे ना तो कोई नहीं पूछता है, और तुम्हारे पास कुछ रहेगा संपत्ति तो सब लोग पूछेंगे, वो नहीं कहते हैं बड़ी मोरी दीदी आ तो ना ही हम लोग का पास खुदी है, ना ही हम कोई आता है, हम लोग का सब देख कर जलता है। अबे हमारे पास इतना धन संपत्त होता तो यूट्यूब से भी पैसा अच्छा खासा आता, यूट्यूब पर अच्छा खासा वीडियो चलता, बस यही मन करता है गला ऐसे घोट लूँ और मर जाऊँ, और कुछ भी समझ में नहीं आता है। बस तो आज के लिए इतना ही काफ़ी, क्योंकि वीडियो आने के तनिक दिल ही नहीं करता है, मन कर रहा है क्या कर लूँ, मर जाऊँ कहीं जाके, क्या झाड़ू और खा के पास हंसी लगा के, कि हमारे ससुराल वाले खुश हो जाएं, वो लोग यही चाहते हैं कि वो कब मर जाए। अब मरूँगी तो अपने ससुराल वाले करतन ही मरूँगी, मैं मरूँ तो मेरा इंजाम मेरा ससुराल वाले का पड़ेगा। आप लोग से मीडिया वाले भाई, आप लोग से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि मैं मरूँ तो मेरे वीडियो तो हर कोने कोने में ही जाएगा, मगर हमारे घर वाले के वजह से, क्योंकि उन्हीं लोग से ठोकर खाई हूँ तो यूट्यूब पर आई हूँ, हाँ तो कभी यूट्यूब पर दिखती मैं नहीं,
तो मीडिया वाले भाई आप लोग से आदर की रिक्वेस्ट है कि मेरे मरने के बाद मैं मर जाऊं तो मेरा मरने का कारण मेरे ससुराल वाले होंगे, सारे बच्चे बच्चे तक। मैं यही कहना चाहती हूँ मीडिया वाले भाई कि मेरा वीडियो के ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाना कि लोग जाने किस कारण मरूँगी वो तो पता ही चल जाएगा, क्योंकि इसकी ज़िंदगी में कुछ है ही नहीं है, उसको ताना ही मारते जाएंगे तो किस लिए जीते रहेगा दुनिया में। तो मैं मरूँ तो मेरे परिवार वाले, मेरे माँ पापा कोई गलती नहीं, मेरे पापा माँ बाप इतने दिन रखे हैं तभी मैं जिंदा हूँ। हाँ तब तक कब तक मर हो चुकी हूँ, तभी जीने नहीं देते मेरे ससुराल वाले, सोचते हैं कब मर जाए, देखते हैं कैसे हालत मेरा हो।